तो दोस्तों आज हम लोग YPM वर्सेस गच्ची लड़का के ड्रामे के ऊपर बात करेंगे और कैसे दूसरे यूट्यूबर्स अपने एडवांटेज के लिए इस ड्रामे में इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। कैप्टन इंडिया, गौरव जोन और मैक्स चैन के बारे में तो डेफिनेटली हम इस वीडियो में बात करेंगे। और भाई YPM चाहता क्या है, देखते रहिए इसी वीडियो को। वाओ यार, शुरू से शुरू कर। तो यार ये कंट्रोवर्सी भयंकर रूप तब लिया जब गच्ची लड़का ने 13-14 वीडियोस YPM के अगेंस्ट में बना दिया। मतलब YPM के अगेंस्ट में 13-14 एक्सपोज वीडियो बना दिया, क्योंकि यार YPM को अच्छा नहीं लगा। YPM सोच रहा था कि यार हम फेक वीडियोस बनाते हैं और ये एक्सपोज किए जा रहे हैं, हमारा धंधा खा रहा है, गजब बेइज्जती है। और डेफिनेटली यार कुछ हद तक हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि 13-14 वीडियोस एक क्रिएटर पे बेसिकली प्रेशर क्रिएट करता है। डेफिनेटली अगर हम देखें 1 करोड़ रुपए का एलिगेशन से क्रिएटर के अगेंस्ट में क्या प्रेशर क्रिएट नहीं करता यार, तब का गच्ची लड़का के अगेंस्ट में कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता। या YPM प्रेशर कुकर है, सिर्फ इसके अंदर ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। वो अलग बात है कि प्रेशर कुकर के साथ मुंह थोड़ा बहुत मैच होता है। यही हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जब आमिर सिद्दीकी पर इतने सारे वीडियोस यूट्यूब में पब्लिश हो गए, तो मैक्सिमम कैप्टन इंडिया, तब क्या आमिर सिद्दीकी पर प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ? क्या तब बहुत मजा आ रहा था, आमिर सिद्दीकी टिकटॉकर है इसलिए, तब कैप्टन कुत्ते कमीने क्या तब वीडियो नहीं बना सकता था कि एक बंदे को टारगेट नहीं करना, प्रेशर क्रिएट होता है। YPM से ज्यादा उनको फादर को ज्यादा बुरा लग गया और YPM अपने सोशल मीडिया स्टोरीज में ये कह दिया कि वो गच्ची लड़का के अगेंस्ट में 1 करोड़ का डिफॉर्मेशन का केस कर। मतलब यार आप इस पॉइंट को अच्छे से सुनिए, जो बंदा खुद 2000 रुपए का चालान कटने से एंग्री फेस वाले इमोजी देकर वीडियो बनाता है, चालान के पेपर को यूज करता है थंबनेल बनाने के लिए, बंदा किसी के अगेंस्ट में 1 करोड़ का केस भी कर सकता है। जहां रही बात YPM के फादर की, वो दूसरों को पोक कर उम्र में इतने ज्येष्ठ होने के बावजूद भी अश्विन सिंह टकियार को टारगेट करते हुए अपने ऑडी R8 के डिलीवरी के टाइम बार वो V10 करके अश्विन सिंह टकियार को पोक करते रहे। और जब YPM के फादर को एक छोटा सा लाइन कहा गया गच्ची लड़का के द्वारा, तब उनको बुरा लग गया और वो 1 करोड़ रुपए का केस करने चले गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-5 बार V10 करते रहे वो। एक दो बार यार कहना ठीक है, हो सकता है यार कि अपने ऑडियंस को समझाने के लिए वो कह सकते हैं एक दो यार। इनसे पहले अश्विन सिंह टकियार ने ऑडी V8 खरीद, ऐसे ही अश्विन सिंह को टारगेट करते हुए कि आपने V8 खरीदा है और हमारे पास V10 है, क्या बोले, दिमाग क्या रीसेट हो गया है? और यार हमें ये फील हुआ कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना या कवर करना जरूरी है। अगर इतने बड़े क्रिएटर्स फ्रिंज टॉपिक्स पे वीडियो बना के मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, तो हमने क्या दोष किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार हमने मैक्स चैन का रोस्ट देखा, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से मैक्स चैन ने अल्टीमेटली गच्ची को ही रोस्ट किया है, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से, कोई भी मलेशियस इंसल्ट्स या थ्रेट्स का उन्होंने यूज नहीं किया अपने वीडियो में, जो कि बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है और ऐसे क्रिटिसिज्म होता है। और अभी हम बात करेंगे गौरव जोन की, क्योंकि कैप्टन इंडिया का एकदम लास्ट में करेंगे, क्योंकि उस कुत्ते का लंबा लिस्ट है। गौरव जोन तो भाई एकदम अलग ही लेवल का है, यूट्यूब में लाइव आके गेम खेलते खेलते किसी को रोस्ट करते हुए देखा है, लेकिन हमारे गौरव भाई करते ऐसे रोस्ट लाइव में आके, थ्रेट भी देते हैं। पर अगर आपको नहीं पता कि गौरव जोन कौन है, गौरव जोन एक व्लॉगर बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो कि अभी गेम भी खेलने लगा है, और इनके व्लॉग्स तो यार बिल्कुल ओपी ऑर्गेनिक है, एकदम फेक व्लॉग बनाता है, सब स्क्रिप्टेड होता है इसका व्लॉग, ऐसा दिखाएगा कि ये डेली टू डेली लाइफ है और बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है। और यार अगर गौरव जोन रात में कैमरा लेकर निकला ना, तो यार उन्हें भूत दिख ही जाता। मतलब यार गौरव जोन के एरिया में तो ऐसा लगता है उनके व्लॉग्स देख के कि भूत यार बंडिलों में बिकता है। अभी तो यार हम आश्चर्य हो जाते हैं, एक बंदा अपने लाइफ में इतने फेक वीडियोस कैसे बना सकता है। गोबर जोन ने भी कावासाकी निंजा लिया था, लेकिन इसका दोस्त जो इसके साथ था जब ये वो बाइक परचेस कर रहा था, तो इसने उसको एक्सपोज कर दिया। समझ रहे हो ना? तो इसका दोस्त अपने वीडियो में एक्सपोज करते हुए ये कहा था कि ये वो बाइक उधार में लेके आया था, उसके बदले में वो उस दुकान का प्रमोशन कर दिया, मतलब उस शोरूम का प्रमोशन कर दिया उसके बदले में। लेकिन बाद में हमारे गौरव भाई अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हुए ये कहे थे कि कुछ फिनेंस का प्रॉब्लम हो गया, इसी के कारण वो बाइक हाथ से निकल गया। एक्चुअली क्या हुआ ये तो सिर्फ गोबर जोन को ही पता। चलो यार अभी हम कुत्ते के बारे में बात करेंगे। कहने में तो कैप्टन इंडिया एक रोस्ट चैनल चलाता है, लेकिन रोस्टिंग से आती नहीं है, वो अलग बात है। 10-15 मिनट का वीडियो नहीं सॉरी हगना स्टार्ट कर देता है कैमरा खोल के, क्योंकि ना कंटेंट में कोई क्वालिटी और वर्ड में ना कोई मीनिंग। तब यार ये खुद को
क्या समझता है यार, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब यार ये खुद को वर्ल्ड का नंबर वन क्रिएटर समझने लगा है। पहले अपने स्टेट पे नंबर वन होके दिखा दो यार। 2 रुपए तुम्हारी औकात, 2 रुपए तुम्हारे चैनल की औकात, और यार सब मिलके 4 रुपए होता है। यार ये कैप्टन इंडिया जिसको रोस्ट करने लगता है ना, तो 3-4 वीडियो एक बार में बना देगा। पहले डिस्ट्रैक्ट बनाएगा, फिर 3 पार्ट का रोस्ट बनाएगा, 15-20 मिनट का वीडियो बनाएगा, उसमें 10 मिनट बकवास करेगा, 2 मिनट का गाना और मीम चला देगा, और बस सो कॉल्ड ओरिजिनल कंटेंट खत्म। इमोशनल सेंटीमेंट से डिफेंड करने लग गया। और क्या कस्टी भाई, आपने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपनी मम्मी को डाल दिया। मास्टर शेफ की सिलेक्शन थोड़ी चल रहे हैं। मम्मी कैसी है? मतलब यार ये कैप्टन इतना नॉनसेंस है ना, इसको जूता मार के यूट्यूब से भगा देना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम समझा देंगे आपको। मतलब यार जब गौरव जोन ने लाइव रोस्ट करना स्टार्ट किया गट्सी लड़का को, इतने गलत लैंग्वेजेस को गौरव जोन ने अपने स्ट्रीम के दौरान यूज किया। मतलब गट्सी लड़का के मम्मी, मतलब आशीष गुप्ता के मम्मी ना हर्ट हो गई थी कि वो एक गलत डिसीजन लेने पर मजबूर हो गई, और कैप्टन कुत्ते को ये मजाक लगा। और भाई इंडिया क्यों लगा रहे तेरे नाम के पहले? इंडिया का नाम बदनाम मत करियो कुत्ते। सुन, जो तू कैप्टन के बाद इंडिया लगाया ना, वो नाम को हटा दे। इंडिया का नाम बदनाम मत कर। मतलब तुम में से जितने भी लोग मेरे को एडमायर करते हो, तुम लोग ऑफ कोर्स मेरी वीडियो चुरा के अपने चैनल पर डाल सकते हो, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी वीडियो चुरा के अपने चैनल पर डाल सकते। यार मैंने पहली बार देखा है इतना बड़ा क्रिएटर जिसने कंटेंट को कॉपी किया है उसको कितना क्रिटिसाइज कर रहा है। सॉरी, ये तो बड़े क्रिएटर के अंदर में आता ही नहीं, ये तो छपरी बॉय है यार। हमें छपरी, हमें छपरी, हमें छपरी। मजा आया। और गट्सी तू ऐसा बोल कैसे सकता है कि मैं तेरे से क्लाउड ले रहा हूं? देख गट्सी, मुझे ये सब बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, तू मेरे लेवल पे नहीं। मतलब यार ये कहना क्या चाहता है? इसको लगता है कि महंगे सॉफ्टवेयर यूज करने से इसकी कंटेंट की औकात बदल जाएगी। नल्ला, तेरा कंटेंट और तू कभी बदल ही नहीं सकता। तो जीरो से स्टार्ट करता, और तेरी अगर इतनी सी बुद्धि होती ना तो तू इतनी लॉजिकल बातें नहीं करता अपने वीडियोस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गट्सी ने इसके वीडियोस को कॉपी किया, इन गट्सी के वीडियोस का व्यूज इससे ज्यादा आ रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। मेरी वीडियो मैजिक्स प्रो में बनती है, YouTube to MP4.com में नहीं। मुझे वीडियोस है कि खाना यार। देखो यार एक चीज हम आपको क्लियरली समझा देते हैं यार, हम लोग YouTube में कंटेंट क्रिएट करने के लिए आते हैं, हमारा मेन इंटेंशन पैसा कमाना नहीं होता, दूसरों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाना हमारा मेन मोटो होता है। जिसके सिर में गू भरा वो ये सब कैसे समझेगा? हम लोग, हमें एक चीज समझाओ, गट्सी लड़का ने 7 महीने पहले जब गट्सी के 7K सब्सक्राइबर्स है तब कॉपी किया था उसके कंटेंट। जब ये YPM के साथ में जो गट्सी लड़का का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ तब जाके ये कुत्ता कैप्टन बोल रहा है। बोलो यार ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। गट्सी को अपनी वीडियोस को रोस्ट वीडियोस बोलता है, लेकिन शायद तुझे नहीं पता होगा कि एक ही बंदे पे कॉन्स्टेंटली इतनी सारी वीडियोस बनाने से तो यूट्यूब की बुलिंग और हैरेसमेंट पॉलिसी को वॉयलेट करता है। वाह भाई, हमारे कैप्टन भाई को यूट्यूब के रूल्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है, इसलिए वो अपने वीडियोस में मलेशियस लैंग्वेजेस का यूज करता है, 3-4 कॉन्स्टेंट वीडियोस बनाता है। मतलब भाई शर्म कर लो, शर्म, कुत्ते की तरह हर जगह मुंह मत मारा। अब कह रहे हो ना उसमें कॉन्स्टेंट रहने की कोशिश करो। यार ये जो खुद करके अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया है, ये चीज अगर इसे कम सब्सक्राइबर वाला बंदा करता है या कोई स्टार्टअप यूट्यूबर है, तो उनमें एक्सपोजर वीडियो निकालते हैं। मतलब यार इनके बारे में क्या ही बोले। ना आयरॉनिक है ना कि तू अपने रोस्ट वीडियोस में दूसरे चैनल्स को कॉल आउट करता है कि वो कैसे रेपिटेटिव कंटेंट बना रहे हैं, और यहाँ पे तेरा खुद का चैनल पिछले 6 महीने से सिर्फ 2 लोगों के दम पे चल रहा है। ये जो तू कह रहा है ना कि 2 लोग के दम पे चल रहा है, भाई वो 2 ही फेक कंटेंट बनाने वाले हैं। एक का तो अवंती अभी भी पेंडिंग है, मतलब बेच दिया तो अभी भी पेंडिंग है, फर्स्ट ओनरशिप में किसी दूसरे के नाम पे। यार इसके वीडियो के हिसाब से वो गाड़ी वो बेच भी चुका है। और यार गोबर जोन के बारे में क्या ही बोले, वो तो भाई अपने धुन पे और अलग ही लेवल पर चल। गोबर जोन पहले अपने वीडियोस को डीकोड करके ट्रेंडिंग सेक्शन पे लाता था। ये हम नहीं कह रहे, ये इसका दोस्त कह रहा है जो इसके वीडियो में फीचर्ड हो चुका है, गोबर जोन के साथ काम कर चुका है। और गोबर जोन अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान ये जो गट्सी को ज्ञान बांटने में व्यस्त था, किसी के फैमिली के अगेंस्ट में कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहिए, कमीने तूने जो वो घिनौना चीज बोला था आइंग बीस्ट और उनके वाइफ के अगेंस्ट में, वो कुछ याद आता है तेरे को? ये भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। भाई गोबर जोन को जो टारगेट करता है ना, उनके कंटेंट को वो दबा देता है, पेड डिसलाइक ट्रेंड करवाता है। तो छोड़ो यार आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो हेट फैलाने के लिए नहीं है। क्या होगा यार लड़ाई झगड़ने से, सभी क्रिएटर से यार यूनिटी बना के रहना है। होप यू एंजॉयड द वीडियो, फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड, ड्रॉप योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन।